हेलो, आज हम आसन देख रहे हैं जिसका नाम है हल आसन। क्या नाम है? हल आसन। बेसिकली हल मीन्स व्हाट? प्लो। जो हम जो खेती जो हम जोतते हैं राइट, फर्टाइल करते हैं बेसिकली, उसी को कहते हैं हम हल जोतते हैं राइट। तो हल आसन, प्लो पोज। तो अब इसे करना कैसे है, मैं चाहूँगी कि पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद हम साथ ही में करेंगे, उस वक्त भी मैं आपको बता ही रही रहूँगी। हम लाइंग ऑन बैक की आसन करने वाले कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाती है, तो मैं इसलिए पहले एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। लाइंग ऑन बैक हम ये आसन करने वाले हैं राइट। दोनों पैरों को हमने सीधा रखा है, दोनों हाथों को कमर के बगल रखा हुआ है हमने राइट। फिर क्या करना है, दोनों पैरों को आप रेज करने वाले हो 90 डिग्री पे। मतलब 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, पैरों को सेंटर में सीधा, बोथ लेग्स टुगेदर राइट। जैसे ही आपने 90 डिग्री पे लाया, फिर उसको मूव करना है हल्का सा, मतलब या फिर आप बोल सकते हो अपलिफ्ट करना है अपने हिप्स को, एंड हाथों से सपोर्ट देना है बैक की ओर, मतलब हिप्स की ओर। एंड स्लोली स्लोली जैसे आपने अपलिफ्ट किया आपके हिप्स को, उसी तरह आपने पैरों को मूव करना है मोर देन 90 की ओर, मतलब इस तरफ मूव करोगे बैक को सपोर्ट देते हुए हाथों से। धीरे धीरे स्लोली स्लोली जैसे आपने मूव किया है, आपके जो टोज है वो ग्राउंड पर टच हो जाएंगे राइट। जिनका नहीं हो पा रहा है ठीक है, वो उठे हुए से, पर जो कर पा रहे हैं उनके पैरों के जो टोज है वो ग्राउंड पर टच हो जाएंगे। जैसे ही आपको एक कंफर्टेबिलिटी महसूस हो जाएगी कि आपके पैर एकदम अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं ग्राउंड पर, तब अपने हाथों को आपको बैक से हटाते हुए सामने की ओर सीधा रख देना है। क्लियर है? ज़्यादा प्रेशर आ रहा है हमारा राइट, पर ध्यान देना है कि जब पैर हमारे डाउनवर्ड चले जाए ग्राउंड की ओर, तो उसको वैसे ही रख देना है। हमारा एब्डोमिनल से, यहाँ से चेस्ट के नीचे की ओर से हमें वो मुड़ना है, करेक्ट। चलिए अब करते हैं हम साथ ही में। बैक, लाई ऑन बैक, सभी को लेट जाना है, करेक्ट। अब क्या करना है, दोनों पैरों को लिफ्ट करना है मोर देन 90 डिग्री स्ट्रेट, एंड पैरों को आप लिफ्ट करना। अपलिफ्ट किया, हाथों से बैक पे सपोर्ट देते हुए, मतलब इसके अपर बैक के, सॉरी लोअर बैक के नीचे की ओर पैरों को मूव करना है स्लोली स्लोली डाउनवर्ड। आराम से आराम से आराम से, करेक्ट। जब आपको लग जाए कि आपके पैर जो टोज है वो अच्छे से ग्राउंड पर रुक चुके हैं, होल्ड करने के तदार में है, तो अपने हाथों को सीधा कर लीजिए ग्राउंड से, सीधा ग्राउंड की ओर सीधा। अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बैक को सपोर्ट देते हुए इस तरह रख सकते हो, अदरवाइज कंफर्टेबल हो तो हाथों को सीधा रख दीजिए एंड होल्ड। उसी तरह पैरों को उठाते हुए बैक को हाथों से सपोर्ट देते हुए, समझ आई चीज़ें? ये चीज़ों को ध्यान में रखना है हमने। क्या किया, पैरों को हमने 90 डिग्री रेज किया। आप कुछ धीरे धीरे भी कर सकते हो, जैसे आपने 90 मूव किया है हल्का से, या फिर 60 की ओर हो तो मूव किया हुआ है, अपर लिफ्ट किया है अपने हिप्स को, बैक को सपोर्ट दिया हुआ है, एंड हल्का सा मूव करते हुए करते हुए ग्राउंड पर टच करवाना है, करेक्ट, टोस को आपके बेसिकली। कुछ लोग इसे बैठे हुए भी करते हैं, जैसे कि आप बैठे हुए हो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली फ्लिप कर जाते हैं, इट्स समटाइम रिस्की, पर अगर आपका हो रहा है तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है तो वैसे ही करना है राइट। अब हम देखेंगे हल आसन का फर्स्ट वेरिएशन, फिंगर टो टच। क्या देखेंगे, फिंगर टो टच। इसमें क्या होगा, दोबारा मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम करेंगे। लायन बैक हम लेट चुके हैं, करेक्ट। दोनों पैरों को लिफ्ट किया है 90 डिग्री की ओर, फिर हिप्स को अपर लिफ्ट करते हुए बैक को हाथों से सपोर्ट देते हुए पैरों को डाउनवर्ड मूव करना है स्लोली स्लोली। जैसे ही आपके जो टोज है वो ग्राउंड पर टच हो जाते हैं, जैसे ही आपके जो पैर है वो ग्राउंड पर टच हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है, होल्ड कर पाओगे अपने पैरों से ग्राउंड पर रखते हुए, तो अपने हाथों को बैक से हटाते हुए अपने पैरों की उंगलियों के पास लेकर जाना है, टोज के पास लेकर जाना है। अगर अपने टोज को पकड़ पा रहे हो, फिर टच कर पा रहे हो, तो उसी तरह आपको रखना है। समझ आ गई चीज़ें?
अब साथ में करेंगे हम सब। लायन बैक, आप लेट गए हो, करेक्ट। मूव किया दोनों पैरों को 90 डिग्री या फिर 60, जो भी आपका हो रहा है। लिफ्ट किया है, हिप्स को अपर लिफ्ट करते हुए बैक पे सपोर्ट देते हुए हाथों से हिप्स की ओर स्लोली स्लोली पैरों को डाउनवर्ड मूव किया हमने, करेक्ट करेक्ट। आराम से जैसे आपके पैर डाउनवर्ड मूव हो जाते हैं, जो मतलब जो आपके टोज है ग्राउंड पे टच हो जाते हैं, फिक्स है मतलब होल्ड कर पा रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, तो अपने हाथों को बैक से हटाते हुए अपने टोज की ओर लेकर जाना है एंड होल्ड। नीज किसी किसी की थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई होंगी, ठीक है, बट ट्राई टू स्टेट इट। हैंड रिलीज, उसी तरह हाथों को नीचे की ओर लेकर आ रहे हो बैक की ओर, पैरों को आराम से नीचे रखते हुए आप बैठकर सॉरी उठकर बैठ सकते हो। ये हमने देखा हलासन, पहले बेसिक पोस्चर देखा हमने, करेक्ट। थोड़ा ध्यान देते हुए कीजिए चीजों को। उसी तरह हमने इसका फर्स्ट वेरिएशन देखा जिसका नाम है फिंगर टो टच। क्या किया हमने, लाइंग ऑन बैक हम लेटे हुए थे, अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री लेकर आए हम, राइट। फिर जो हमारे हिप्स है उसको अपर लिफ्ट किया, हाथों से हिप्स को या फिर लोअर बैक की ओर अपने सपोर्ट देते हुए स्लोली स्लोली हमने सर की ओर डाउनवर्ड पैरों को मूव किया है। स्लोली स्लोली मूव करेंगे हम, जैसे ही आपको लगता है कि आपका जो टो है वो ग्राउंड पर टच हो जाता है एंड कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, मतलब होल्ड कर सकते हो, तो अपने हाथों को बैक से हटाते हुए अपने पैरों की उंगलियों की ओर टोस की ओर लेके जाना है एंड टच करवाना है। समझ आ रही है चीज़ें? थैंक यू।